ओके भाई जी का जन्म मतलब स्वागत कर रहे हैं एक बार प्यारी से ताली बजा रही जोरदार ताली हम किसी राज्य को समाहित कर सकते हैं नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं ये ब्राह्मण का अस्तित्व है। आज श्रद्धेय श्री परशुराम जी को देखा जाए तो परशुराम जैसे इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो मैंने बताया कि किसी वंशज के प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 13 बार उस वंशज का विनाश किया आतातायों के किरार। आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर इतना ही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि ब्राह्मण अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। यह जग जब तक रहेगा यह सूरज चांद रहेंगे तब तक ब्राह्मण का अस्तित्व रहेगा और इस बात वर्तमान में राजनीतिक और सामाजिक और आतातायों के इस पलटते कायापलट के बीच जो इलाहाबाद के परिसर और पार्श्वभूमि हुआ उस संगम के तट पर जमी पे रह के लोग कलकों में कायम करते हैं कटा की उंगली शहीदों में नाम करते हैं। यदि बिहार से किसी आतातायों के मारने के बाद या मरने के बाद अगर उसको शहीदों का नाम जिंदाबाद करेंगे तो उस वक्त परशुराम वंशज का एक व्यक्ति लौलस तिवारी पैदा होगा इसमें कोई संदेह नहीं। और जिन जिन देशों या प्रदेशों विशेष करके ब्राह्मण समाज के तरफ उंगली उठाई गई तो उसकी उंगली की दशा दिशा बदल गई। उदाहरण देख लीजिए उत्तर प्रदेश की धरती बसपा ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के चलना सीखी उसकी सरकार बनी सपा ने सोचा उसकी सरकार बनी। जिस तरह से अगर ब्राह्मणों को कहीं देखा किया जाएगा चाहे राष्ट्र और महाराष्ट्र किसी भी कोने में यही उसको बदहाली देखने को मिलेगा। ये ब्राह्मण सूत्र है और ये परशुराम सेना के शुभ अवसर पर ये संदेश आप लोगों को है। जो परशुराम जी का जन्मदिन के अवसर पर जो आज कार्यक्रम हम सब ब्राह्मणों के सिरमौर और भगवान विष्णु के छठे अवतार रावण के सुपुत्र यमदंग के पुत्र श्रद्धे हम सबके प्रेरणाश्रम प्रातस्मरणीय उंदनी जिनके ब्राह्मण जिनका नाम लेने से ब्राह्मणों के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है हर युवाओं के अंदर हर सनातन धर्मियों के अंदर हर हिंदुस्तानियों के अंदर ऐसे श्रद्धे परम पूजनी प्रातस्मरणीय विष्णु के छठे अवतार हम सबके जीवों में जो बसते हैं सदैव ब्राह्मणों की आन बान शान है जिसके हम सब वंशज हैं ऐसे श्रद्धे भगवान परशुराम जयंती के पावन पर्व पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो दिव्य आयोजन भांडव की सिमरा पर हुआ है उसके लिए मैं सभी को साधुवाद करता हूं। राष्ट्रीय परशुराम सेना के सभी परिवार को मैं वंदन करता हूं। जितने भी कलाकार बंधु बांधव मीडिया बंधु यहाँ जुड़े हैं और उपस्थित हैं उनको मैं हृदय की वंदन गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ और साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जब जब जागा है सिंहासन डोला है आप सबको पता है कि जैसे भैया ने कहा भैया जब जो भी हम लोग के साथ अत्याचार किया है उसका विनाश स्वयं भगवान अन्य किसी प्रकार के रूप में आकर के इस धरती पर इस माप भूमि पर आकर के उन्होंने संहार किया है और हम सबको चेतना देने का कार्य किया है। तो आपको दिखा दूँ आज भी जो है हम सबको ये कहना चाहते हैं आज के युवाओं को घर घर में जैसे भैया ने कहा हमसे भी चाहते हैं कि हर घर में भगवान परशुराम की मूर्ति हो भगवान परशुराम की फोटो हो हर चौराहों पर भगवान परशुराम का चौराहा हो और इससे ही प्रेरणा मिलेगी। साथ साथ हम तो पाठ्यक्रम में हम तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से भी हमारे संस्था ने मांग की है और हम लोग ने राष्ट्र को भी कहा है कि हम सब के पाठ्यक्रम में भगवान परशुराम वंशज भगवान परशुराम की महत्ता को दर्शाया जाए उसमें प्रकाशित किया जाए जिससे आज का युवा उससे संगठित हो सके सुसज्जित हो सके और सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था और जगे। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा तब तक हम सब विडम्बना यही है कि हम कहते तो हैं हम कर नहीं पाते हैं मगर आज देख कर बहुत अच्छा लगा कि हम ब्राह्मण सब एक भाई हर समाज के आज मुंबई से सभी लोग यहाँ आए एक एक आदमी अपने आप में हजार हजार दस हजार लोगों का नेतृत्व करता है ऐसे भाई हमारे हृदय के भाई प्रतापगढ़ की धरती का माटी कला राजेश मिश्र जी और बाबुल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भैया आप जो ऐसे कार्यक्रम करते रहे और कल आपके माध्यम से बताना चाहूँगा हमारे मीरा भाईंदर की धरती पर बहुत ऐतिहासिक आयोजन हो जाए 10,000 की गैदरिंग है कल वहाँ भी कार्यक्रम सारे लोग वहाँ भी आएंगे और आप सब बंधुओं को बताना चाहूँगा आप सब वहाँ आएँ क्योंकि जितना भी आस्था हम सब जगाएंगे क्योंकि आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मैंने देखा ट्विटर पे हर जगह मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर सारे लोगों ने विरोधियों ने भी ब्राह्मण का जो विरोध करते हैं उन्होंने भी आज बधाई दी है तो उसके लिए मैं बहुत 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 अच्छी चेतना है क्योंकि धर्म की तरफ हम लोग आस्था बढ़ चुकी है और हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ चुका है। हम सबको जागने की आवश्यकता आपसे मीडिया बंधु जो हमारे हैं उनकी तरफ से जो देश को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है युवाओं को चेतना देने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ और सभी युवाओं से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सब युवाओं को प्रेरित करें क्योंकि युवा अपने धर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए न कि अपने अन्य कर्मों पर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत